इंडू क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में सक्सेस मिशन क्लब काशीपुर समस्तीपुर में निशुल्क शैक्षणिक संस्थान जो चलता है SMC जिसको बोला जाता है, उसमें दरोगा का जो प्रिपरेशन किया जाता है उसका WTA नंबर 33 है। इससे पहले 32 सेट किए जा चुके हैं, उसका वीडियो मैं YouTube पे नहीं डाला हूँ, लेकिन आज से हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज WTA नंबर 33 का सेट हम देखेंगे और इससे इसके बाद हम 1 से लेकर 32 तक जितना सेट SMC में किया गया है उसका हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। और आज का क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन है, केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो केरल में पाए जाने वाला थोरियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा के अनुसार आर्कटिक महासागर जो है 34.2 जो है, इसका आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, वैदिक साहित्य में आरण्यक की संख्या कितनी है? तो वैदिक साहित्य में आरण्यक की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज 4 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आप अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा, पैरोबेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण है, इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भू स्तारी, ये सभी समजात अंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आयनिक यौगिक का उदाहरण KCl होगा, क्योंकि आयनिक बंधन बनने के लिए एक धातु और एक अधातु के साथ ज्वाइंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर है, 1-ब्यूटीन तथा 2-ब्यूटीन किस प्रकार का समावयी होंगे? तो इसका स्थान होगा 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन, यानी स्थान का परिवर्तन होता है इसमें, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्थान समावयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह किए हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो अकबर की लोकप्रियता का कारण था, सबसे मनसबदारी प्रथा भी शुरू किए, धार्मिक नीति लाए और भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार किए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ABCD सभी सही हैं, ABCD सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 के एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन C4 का पौधा है? तो मकई जो है C4 पौधा कहा जाता है, C4 मकई, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना UP राज्य में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है, सबसे छोटी देसी रियासत आते हैं थे? तो सबसे छोटी देसी रियासत विलावारी था, इसका आंसर बी हो जाएगा, विलावारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर है, झारखंड राज्य में राज्यसभा सदस्यों के कितने सीट हैं? तो झारखंड राज्य में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 6 है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ईंधन है और हीलियम ईंधन नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, हीलियम ईंधन नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा, नीरज गुप्ता
समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो पौधे के रोम द्वारा जल का अवशोषण प्रसरण विधि द्वारा होता है, लेकिन इसका आंसर संकुचन लगाए थे जो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो समृद्धि की सीमा का अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों के बीच की परियोजना है? तो गंडक परियोजना जानते हैं हम लोग, बिहार और यूपी के बीच का परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत आपको श्याम लाल पार्षद लिखा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में दो सदन होते हैं। वहीं अगर पूछेंगे भारतीय संसद में कितने सदन के कितने अंग हैं, तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएंगे और तीन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, मई 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट में उतरा था, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% महासागरों में निहित है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 96.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, भारत की पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना सोन घाटी परियोजना जिसका विकास कब हुआ? तो सोन घाटी परियोजना का विकास 1874 में हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालन ए आला की स्थापना की? तो रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना किया, इसका आंसर बी हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता किसने किया? तो मुंडा विद्रोह जानते हैं, तो बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आपको आंध्र प्रदेश बना, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, समाजवादी शब्द की उद्देशिका में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1946-76 के तहत समाजवादी को जोड़ा गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए? तो जोहान्सबर्ग है स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, विश्व में किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवने प्रभावित होती है? तो विश्व में हिंद महासागर में लंबी चालीसाएं पवने प्रभावित होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रकाश का रंग का निर्धारण कौन करता है? तो प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे देखिएगा भाग गया था क्वेश्चन, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिएगा, उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो संवहन द्वारा है ऊष्मा का स्थानांतरण
द्रव और गैस में हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गैस और द्रव, लेकिन SMC के द्वारा ठोस और द्रव लगाया जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। इनमें से कौन किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर ए पुल के युद्ध में बाबर को सोबानी खान ने हराया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, सोबानी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, इब्न बतूता मोरक्को का था, ये सही है। मार्को पोलो इटली का था, ये भी सही है। अब्दुल रजाक तुर्की, ये गलत है। ये इसका आंसर सी हो जाए, अब्दुल रजाक फारस के थे, ठीक ना, और नूनिज पुर्तगाल के थे, ये सही है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, हकक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसने किया? तो तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में आवश्यक है? तो एक महीने के अंतराल में आवश्यक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेयर का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? तो मेयर का कार्यकाल आपको 5 वर्ष के लिए होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर है, शेरे पंजाब के नाम से किस कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं, मसालों का बगान केरल को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखिएगा, भारत में लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के 2 सदस्य का निर्वाचन त्रिपुरा में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही कब? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम 2001 से 2011 के मध्य रहा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखिएगा, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर। एक मैथ का क्वेश्चन है, 33 पूर्णांक 1/3 का 100% बराबर 11 है, तो इसका मान इसका आंसर हो जाएगा 33 आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मछली है? तो निम्न में से मछली है आपको डॉग फिश मछली है, बाकी सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश मछली नहीं है। याद रखिएगा, मछली के अंदर 3 को याद रखिएगा, एक कैट फिश, एक डॉग फिश, एक हॉर्स फिश, ये याद रखिएगा मछली का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में, ये सही है। स्टेपी यूरोप और एशिया में, ये भी सही है। पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, सही है। बेल्ट आपको दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के भाग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 348 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के भाग का उल्लेख है। 61 नंबर क्वेश्चन है, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि यानी मेंस्ट्रक्शन साइकिल का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर है, ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा जाता है? ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में वर्ग 16 में रखा जाता है। इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर है, सरहुल त्यौहार किस जनजाति के लोग मनाता है? तो सरहुल त्यौहार जो है उराव जनजाति के लोग मनाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस में नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखिएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 2006 में पारित हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको सरपंच होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, तारी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत एक में ऑक्सीकरण होगा और एक में रिडक्शन होगा, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ZnO प्लस CO, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, pH की परिभाषा में कौन सही है? तो pH का फॉर्मूला आपको होता है pH बराबर -10 जी दस पर पावर एच पर पावर प्लस, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर, जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है, यह किसका कथन था? तो इसका यह कथन था रजनी कोठारी का, राजनीति विहीन जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर डालने के समान है, वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन संवहनीय पौधा है? तो संवहनीय पौधा के अंतर्गत आपको फर्न आ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, 1 kg प्रति मीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, 1 kg मीटर प्रति मीटर स्क्वायर 0.1 bar के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर है, मिलन करने है कॉफी बोर्ड का है, तो कॉफी बोर्ड का आपको आ जाएगा बेंगलोर हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, दूसरा रबर बोर्ड हो जाएगा कोट्टायम हो जाएगा, और तंबाकू कोलकाता हो जाएगा, और उसके बाद चाय का कोलकाता हो जाएगा, तंबाकू बोर्ड का होगा गुट्टूर हो जाएगा, तो इसका आंसर देख लीजिएगा मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखिएगा, समानता एक्सप्रेस किसकी स्मृति में चलाया जाता है? तो समानता एक्सप्रेस अंबेडकर की स्मृति में चलाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर है, सुमेलित कीजिए, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको आ जाएगा जनगणना, इसका आंसर इधर से जनगणना मिला दीजिए। राज सूची के अंतर्गत आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है आपको अंतरिक्ष अनुसंधान, और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जनसंख्या और परिवार नियोजन, इसका आंसर इधर हो जाए मिला लीजिएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन है, बाबर जो स्मारक का निर्माण किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलान करने में, तो बाबर आपको जामा मस्जिद किए थे, हुमायूं दीन पनाह किए थे, अकबर है अकबर के मकबरा को पूर्ण करवाया था, और जहांगीर जो है जहांगीरी महल का निर्माण कराए थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर है, साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व किसने किया? तो साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है प्रशासनिक प्राधिकरण, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपको मेटल दिए होंगे और उसका अयस्क देंगे, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट सही है, जिंक का केला माइन सही है, फेरस का हेमेटाइट सही है, सिनेबार गलत है, इसका कॉपर का नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा का प्रभावी हुआ? तो 2000 ईस्वी में फेमा प्रभावी हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर है, भारत में किस पड़ोसी देश में 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? तो हमारा पड़ोसी नेपाल में है, नवंबर 2022 में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में इंदौर में हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि आपको थे गुआना, इसका आंसर हो जाएगा गुआना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, द 7 मूव्स ऑफ माली अल्मीडा, इसका इसके लेखक कौन थे? तो इसका लेखक आपको है सेहान करुणा करुपा तिलका, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका निधन हो गया? तो श्याम शरण नेगी प्रथम मतदाता थे जिनका निधन हो गया हाल ही में, श्याम शरण नेगी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
85 नंबर क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावन था। इसका सावन आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 20 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है हैदराबाद में किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर किसकी पुस्तक है? वन अरेंज मर्डर जो है चेतन भगत की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 नंबर है, चीन में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्या नाम है? तो इसका नाम माया रखा गया। इसका आंसर माया हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर है, महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार हरि प्रसाद चौरसिया को दिया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखिए, जिस मानचित्र में पर्वत पठार मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस मानचित्र में पर्वत पठार और मैदान को दर्शाते हैं उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी ज्योग्राफिकल मानचित्र कहते हैं। और 92 नंबर है, 2023 में भारत G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो भारत में 2023 में G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 93 नंबर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू बनी है। इसका आंसर लॉन्स नायक मंजू होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 94 नंबर, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी आपको रियाद है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर सऊदी अरब की मुद्रा पूछा जाएगा तो मुद्रा में आपको हो जाएगा रियाल। ठीक है, मुद्रा याद रखिएगा रियाल है। और जबकि अगर पूछेगा राजधानी कहाँ है तो रियाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकल रहा 14, 21 और 28 का एलसीएम। इसका आंसर हो जाएगा 84 हो जाएगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ही क्वेश्चन है, रेकरिंग वाला होता है, जब रेकरिंग जिस पर रहता है उसको डबल वहाँ 9 उतार देते हैं और जो बचा रहता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 37/990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका निकाल लीजिएगा। इसका आंसर 81 आएगा और ये इसका क्वेश्चन 98 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 18। और एक और क्वेश्चन है दो मैथ का, इसका कैलकुलेशन करके आएगा आपको एक, इसको मिला बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीके क्वेश्चन है, 7 सील बर्तों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? तो 7 सील बर्तों का जो है उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। वहीं अगर पूछेगा 10 सीलों पर बल किस धर्म में दिया गया है, तो 10 सीलों पर बल आपको बौद्ध धर्म में दिया गया है। तो 10 सीलों का पूछेगा तो 10 सीलों पर बल तो हो जाएगा जैन बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, और 7 सिलो पर बल जैन धर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से 32 तक एसएमसी क्लब के द्वारा जो दरोगा का प्रैक्टिस